पानी को गर्म करेंगे, उसमें कास्टिक सोडा डालेंगे, उसको धीरे से रगड़ेंगे और साफ करेंगे। तो आज यही नर्म लोक में है। जैसी आपकी पाप होगी वैसा आपको दंड मिलेगा। अलग अलग प्रकार के दंड हैं अलग अलग पापियों के लिए। अब राजा परीक्षित जी बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं महाराज उन्होंने भी पाप किया है सर्प फेंक के ऋषि मुनि पे, ऋषि मुनि पे सर्प फेंक के। अब राजा परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि कोई ऐसा भी उपाय है कि लोग पाप तो करें लेकिन स्वर्ग लोक में जाए। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं है, आप पाप करेंगे आप पापी होंगे तो आपको नर्क लोक में ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है कि आपका कल्याण हो पाप करने के बाद। लेकिन एक तरीका है जिसे करने से आप स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। राजा परीक्षित बोले क्या, बोले कि कहने और सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में उतना ही कठिन। सब लोग ध्यान दीजिएगा, कहने सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में उतना ही कठिन है। राजा परीक्षित बोले कि कौन सा तरीका है, बोले कि अंत समय में जब मृत्यु हो तो आखिरी समय में आप भगवान का नाम ले लेंगे तो आप स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। अब महाराज हम सब लोग सोचेंगे कि वाह पाप पे पाप करें और आखिरी में भगवान का नाम ले लेंगे। सभी सोच रहे होंगे कि जाने दो, चलो एक तो उपाय मिला है। सोच रहे होंगे सभी लोग, है कि नहीं, हाथ उठाइए। सोच रहे ना, सच बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलिए। सोच रहे कि नहीं, सभी लोग सोचते हैं ऐसा। तो महाराज इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में इतना पीड़ा होता है, इतना दर्द होता है कि राम का नाम